हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों फिजिक्स का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम का आंसर की। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीन है हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भामर श्रेणी। और इस मैंने जो आंसर किया की दिए हैं दोस्तों 100% सही है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही और कितना गलत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चार है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 जूल कूलम इन्वर्स। और क्वेश्चन नंबर पाँच है हमारा, एक गर्म तार एमीटर मापता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छः की ओर चल। क्वेश्चन नंबर छः है हमारा, यह प्रतीक किस गेट को निरूपित करता है। तो यह चिन्ह जो है दोस्तों एंड गेट को निरूपित करता है। और क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसने गलत मार दिया था, कोई बात नहीं। और क्वेश्चन नंबर हमारा आठ है, दो समान संधारित्र कूलम वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ है हमारा दोस्तों, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अब पी टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छिद्र। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा दोस्तों, लोहा होता है। तो लोहा कैसा होता है दोस्तों, लौह चुंबकीय होता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका दोस्तों। और 14 नंबर है हमारा, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, किस में होता है। तो निर्वात में होता है दोस्तों, कितना होता है तो 3.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह है हमारा, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों, 0। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, 2.29 × 10⁷ केजी मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या में घटता है कितना। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 घटता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा दोस्तों, व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर है। और हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का विमा क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, AT। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, mL²T-1। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है हमारा दोस्तों, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बहुत बड़ा आंसर। और 22 नंबर है हमारा, दशमिक संख्या 25 की द्विधारी संख्या कितनी होती है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और 23 नंबर है हमारा, KWH का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। और अब चलते हैं 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक पथ बटे पथ की लंबाई। और 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणें की तरह होती है। तो गामा किरणें की तरह क्या होती है दोस्तों, कैथोड किरणें। ठीक है दोस्तों, और 26 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे
मीटर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक AMU बराबर कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। और 28 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, LM बराबर LG। ठीक है दोस्तों, और 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी M द्रव्यमान के भी वेग के गतिमान कण के तरंग दैर्ध्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संधारित आवेशित संधारित पर संग्राहक पट्टिका और संघनक घट पट्टिका के योग के बराबर क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शून्य। ठीक है दोस्तों, और 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कैथोड किरणें होती है किसके तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है दोस्तों, अब 32 है हमारा, लॉरेंट्ज़ बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए दोस्तों। और 33 है हमारा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। और चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। और 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होता है। तो इसका मान घटता है दोस्तों। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा दोस्तों, LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि यदि किसी जगह का मान नमन कोण से टेन इतना परिव्यंजक हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति नहीं होती है तो, प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, यानी कैसा रंग है तो अनुप्रस्थ। अब क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है किसके बराबर होता है दोस्तों, 2.42। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम अस्थायी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। और अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है दोस्तों। और निकट दृष्टा दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है तो अवतल लेंस का। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये था दोस्तों उत्तल लेंस, उत्तल सतह के लिए दर्पण सूत्र प्राप्त करें। ये क्वेश्चन सारे 5 नंबर के आए थे दोस्तों। और आपको मैं 2 नंबर का भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन और था, और 2 नंबर का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये है। ठीक है दोस्तों, ये सेट कोड G आया था हमारा दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो भी कोड होगा तो मिला लीजिएगा। और सेकेंड सिटिंग का आंसर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और केमिस्ट्री के भी मैं कल आंसर की देने वाला हूँ दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।